ठंड का मौसम गार्डनिंग के लिए तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इस ठंड के साथ साथ एक कीड़ा भी झुंड में आपके बगीचे पर हमला कर सकता है। इस कीड़े का नाम है एफिड्स। इस कीड़े को कैसे पहचाना जाता है और इसके हमले से कैसे बचा जाता है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, एफिड्स का हमला गुलाबों पर, हिबिस्कस पर, वेजिटेबल गार्डन पर और इंडोर प्लांट्स पर, सारे के सारे पौधों पर हो सकता है। इंडिया में नवंबर से लेकर मार्च तक एफिड्स के हमले की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस एफिड के हमले को पहचाना कैसे जाए? एफिड्स की बहुत सारी प्रजातियां होती है। ये काले रंग के भी होते हैं, डार्क ब्राउन रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं और पैरेट ग्रीन रंग के भी होते हैं। इनका हमला झुंड में होता है। किसी भी पौधे के ऊपर जब एफिड्स का हमला होता है तो इन्हें कलियों के ऊपर और नए पत्तों के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए एफिड्स का हमला पहचानना बड़ा आसान है। एफिड्स पौधों का रस चूसते हैं और इस वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है और फाइनली पौधे की प्रोडक्टिविटी बहुत ही गिर जाती है। लेडीबग नाम का बेनिफिशियल कीड़ा और चिड़िया, ये दोनों के दोनों एफिड्स के नेचुरल प्रेडिटर्स हैं। प्रेडिटर्स का मतलब होता है ये नेचुरली एफिड्स की संख्या उन्हें खाकर कंट्रोल में रखते हैं। सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होने की वजह से इन्हें कंट्रोल करना कंपैरेटिवली आसान होता है। इन्हें कंट्रोल करने के दो आसान उपाय मैं आपको बताता हूँ। पहला उपाय ऑर्गेनिक है। इस उपाय में 5 ml नीम ऑयल और 5 ml कोई भी हैंड वॉश सही तरीके से 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और पौधों पर स्प्रे ले लीजिए। अगर ये उपाय करने के बाद भी एफिड्स का हमला खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब एफिड्स का बहुत ही बड़ा इन्फेस्टेशन आपके बगीचे में हो गया है, तभी आपको दूसरा उपाय करना चाहिए। एक्सोडस, कॉन्फिडोर, जर्मन टेक, रोगर, नुआन, इनमें से कोई भी एक पेस्टिसाइड लेकर 1 ml पेस्टिसाइड 1 लीटर पानी में सही तरीके से मिक्स कर लीजिए और पौधों पर स्प्रे ले लीजिए। याद रखिए, इन पेस्टिसाइड्स का हमें कॉकटेल बिल्कुल नहीं बनाना है। सही तरीके से कोई भी एक पेस्टिसाइड लेकर उसका बढ़िया से स्प्रे लेना है। आपका पूरा का पूरा एफिड्स का हमला खत्म हो जाएगा। ठंड के दिनों में एफिड्स के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू, ये फंगस भी आपके बगीचे पर हमला कर सकता है। फंगस के ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो सब्सक्राइब का बटन कुछ भी हो जाए दब जाना चाहिए।